नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश के सागर में एक सरफिरे ने अपने ही दो चाचा की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। घटना केसरी थाना अंतर्गत नया गांव बमहोरी की है। बचाने आई चाची, बड़ी माँ और रास्ते में मिले टीचर पर भी उसने कुल्हाड़ी से हमला किया। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, उनका इलाज चल रहा है। आरोपी कुछ दिनों से गांव में अजीब हरकतें कर रहा था। सोमवार की शाम वारदात करने के बाद आरोपी गांव से भाग गया और मंगलवार दोपहर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि दोहरे हत्याकांड के पीछे कोई तात्कालिक वजह अभी तक सामने नहीं आई है। आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस के अनुसार नयागांव निवासी 28 वर्षीय राव साहब पिता रमू यादव कुल्हाड़ी लेकर निकला, अपने चाचा सुखराम और जीवन पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी से उसने एक के बाद एक कई बार किए, इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद भी वह नहीं रुका, सिरफिरे के सामने जो आता वह उस पर हमला कर रहा था। मृतकों के अन्य परिजनों ने छत पर जाकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद से नयागांव में दहशत का माहौल है। आरोपी की पत्नी और दो बच्चे हैं। मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण वह कुछ दिनों से गांव में उत्पात मचा रहा था, लोगों के मोबाइल छीन रहा था। यहां तक कि वह मोबाइल छीनकर डायल 100 पर कॉल भी लगा देता था। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।